हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडे की करी, जो कि आधा घंटा में झटपट बन जाने वाली करी है और ये बहुत टेस्टी होती है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप 5 अंडा ले लें, साथ में 3 मीडियम साइज के आलू जो कि मैंने उसे धोकर छील के धो के काट के रखा है, 1 बड़ा प्याज, बघार के लिए फ़ौरन के लिए ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, और साथ में 1 बड़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, साथ में खटास के लिए मैंने टमाटर का यूज़ किया है, सॉरी 2 टमाटर हैं, साथ में मसाला 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़ीरा 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, साथ में नमक। और ये करी बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ क्यों? सबसे पहले तो अपना गैस को ऑन कर लें और ये करी प्रेशर कुकर में बनाना है, जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप तेल डालें, कम से कम 2 बड़ा चम्मच तेल डालें, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें आप अपना टेम्परिंग का सामान डाल दें। अच्छी तरह से लाल करके भूने, ये सुनहरा होने तक भूने। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा पानी, और इसे कम से कम 20 सेकेंड तक पकाएं भूने। अब इसमें जितने सूखे पाउडर है, मसाले के पाउडर है, उसे आप डाल लें और थोड़ा सा पानी इसमें डालें। और इसे कम से कम 2-3 मिनट भूने।
ये बहुत ही कम तेल में ये पकने वाली सब्जी है। ये इसके इस तीन मिनट के बाद आप जो कटा हुआ टमाटर है उसे डाल दें और आलू डालें और इसे 3 से 4 मिनट तक इसे भूनें। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लें। इसे अच्छी तरह भुनने के बाद इसमें दो प्याला या दो कप पानी डाल लें। कम से कम 200 ml पानी इसमें डालें। इसका ढक्कन लगाकर इसे कम से कम एक सीटी आने तक पकाएं। आप अपना गैस चूल्हे में करछुल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा तेल डालें बस एक अंडे के भर का तेल डालें और अंडा डाल दें। और साथ में थोड़ा सा एक चुटकी नमक डालकर इसे धीमी आंच पर पकाएं। इसे एकदम धीमी आंच पे पकाना है। आपको जब लगे कि ये एक साइड से पक गए हैं तो आप उसे पलटने की कोशिश करें। इस तरह से आप अगर तेल का कमी हो तो थोड़ा तेल भी आप डाल सकते हैं।
इस तरह से आप बनाएं। आप थोड़ा सा बड़ा करछुल लें जो कि आसानी से आप अपना अंडा को पलट सकते हैं। मेरे पास स्टील का करछुल है, आप ये बनाने के लिए आप अल्मीनियम का करछुल का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप बना लें और इसे एक एक करके इस तरह से आप बना के रख लें। एक सीटी आने के बाद आप अपना ढक्कन खोल लें और उसमें ये जो अंडा आप जो तल के रखी है उसे आप एक एक करके डाल दीजिए। और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे खोलने दें। अंडे की करी अब रेडी है। आप चाहें तो इसमें आप हरी धनिया इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आप अपना डिश में निकाल लें। ये बहुत जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी है और इसे आप कुकर में बनाएं। अगर आप इसे पैन वगैरह में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप इसे धनिया पत्ते से इस तरह से आप इसे सर्व करें। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं। धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।